आप में से बहुत सारे लोग स्कूल या कॉलेज जरूर जाते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है स्कूल और कॉलेज में क्या हो रहा है? बहुत कम ऐसे लोग हैं जो स्टडी करने के लिए जाते हैं। अधिकतर लोग इंजॉय करने के लिए जाते हैं स्कूल या कॉलेज। ऐसे लोग कभी भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं और लाइफ में सफल भी नहीं हो पाते हैं। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ज़्यादातर बॉयज़ गर्ल्स के चक्कर में स्कूल जाते हैं। सभी ऐसे नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर लोग इन्हीं सब कारणों से स्कूल जाते हैं और अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं। जिस समय उनको अपने पढ़ाई पे करियर के ऊपर फोकस करना चाहिए, उस समय वो लोग कुछ और करते हैं, इसीलिए लाइफ में सफल नहीं हो पाते। कुछ गर्ल्स बॉयज़ के लिए स्कूल जाते हैं और कुछ बॉयज़ गर्ल्स के लिए, ऐसे तो भाई बिल्कुल भी आप सब सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। आपको अपने करियर के ऊपर फोकस करना होगा। इस समय में ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, तो आपको अपना डिस्ट्रैक्शन कम करना होगा, वरना आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप अपना समय इन सब चीज़ों में लगाओगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। आगे चलकर आप बहुत पछताओगे, क्योंकि जिस समय आपको अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, उस समय आप सिर्फ इंजॉय कर रहे हो। इसलिए आप इस समय को इन्वेस्ट करो, ना कि वेस्ट करो। आपको अपना हर दिन बेस्ट बनाना है, समय को बर्बाद नहीं करना है। आपने बहुत समय को बर्बाद किया, लेकिन अगर आप लाइफ में सफल होना चाहते हैं, यही समय है, स्कूल और कॉलेज का समय, जिस समय में आप कुछ बड़ा कर सकते हो। आप इस समय में मेहनत करो और सफल हो जाओ। और यही वो समय है जिस समय आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। स्कूल और कॉलेज का टाइम आपके लिए वनवास के जैसा है। राम भगवान भी 14 साल तक वनवास गए थे, और इस वनवास से निकलने के बाद आपकी एक वैल्यू होती है, उसके पहले आपकी कुछ वैल्यू नहीं होगी। इसमें आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है इस वनवास में, तो आप इस समय मेहनत करो। और जब आप इस जंगल से निकलोगे, यानी कि जब आप स्कूल कॉलेज से निकलोगे, तब कुछ आप बड़ा करोगे। अगर हम स्कूल कॉलेज के समय में मेहनत नहीं करेंगे, तो क्या हम 30-40 साल की उम्र में मेहनत करेंगे जब हमारी एनर्जी लो होगी? नहीं ना। इसलिए भाई, आप स्कूल कॉलेज जाते हो तो आप अच्छे से स्टडी करो, ना कि टाइम वेस्ट करो। तो आशा करता हूँ वीडियो में बताई गई हर एक बात आप समझ गए होंगे। आई एम AD मैन, आई एम ऑन मिशन। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।